कोर्ट का एक और बड़ा फैसला, शेख रशीद अहमद अहल करार, शकील अवान की दरखास्त मुस्तरद, दो जजों का शेख रशीद के हक में फैसला, जस्टिस काजी फायज ईसा का इख्तलाफी नोट। अल्लाह ताला ने आज फिर इज्जत दे दी, जिंदगी में कभी कोई चीज नहीं छिपाई, शहबाज शरीफ, मैं आ रहा हूँ इमरान खान के साथ मिलकर हुकूमत बनाऊंगा, शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, शकील अवान कहते हैं मुल्क में इंसाफ का हुसूल बहुत मुश्किल है। निगरान वफाकी काबीना का इजलास आज होगा, शरीफ खानदान का नाम ईसीएल में डालने की नैब की दरखास्त पर गौर होगा, इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के बारे में भी जायजा लिया जाएगा। इसहाक डार के खिलाफ असासा जात रेफरेंस की समाअत, शरीक मुलजिम सईद अहमद की बरियत की दरखास्त पर वकील हशमत हबीब के दलाई। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में आज दो बेंचेस केसेस की समाअतें करेंगे, चीफ जस्टिस मुफाद आमा के केसेस की समाअतें करेंगे। सरगोधा में मुसाफिर बस और डंपर में खौफनाक तसादुम, जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई, 30 अफराद जख्मी। और आलमी शोहरत याफ्ता गजल के शहनशाह मेहदी हसन को मद्दाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए, उनके मकबूल तरीन गीत और गजलें आज भी परिस्तारों के दिलों में जिंदा।